दोस्तों, बबीता जी के घर एक किडनैपर आता है और एक पर्ची छोड़कर बबीता जी को किडनैप करके ले जाता है। जेठालाल जब बबीता जी के घर पहुंचता है तो देखता है कि बबीता जी तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी उसको एक खत दिखाई देता है। जेठालाल उस खत को उठाता है और उसे पढ़ता है। उसमें लिखा हुआ था, अगर तुम बबीता जी को बचाना चाहते हो तो इस जगह पर आ जाओ। फिर जेठालाल किडनैपर ने जहाँ पर बुलाया है वहाँ के लिए निकल पड़ता है। जेठालाल किडनैपर के बताए हुए जगह पर पहुंच जाता है। वहां पर वो देखता है कि उसके सामने तीन दरवाजे हैं, जिसमें पहले दरवाजे में बहुत सारे सांप हैंगे और दूसरे दरवाजे में आग लगी हुई है और तीसरे दरवाजे में लकड़ियां रखी है बहुत सारी। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि जेठालाल कौन सा दरवाजा चुनेगा? इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, जेठालाल पहले नंबर वाले दरवाजे से जाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही होगा सांप आग से डरते हैं। जेठालाल क्या करेगा कि वहां पर से लकड़ी उठाएगा, उसके बाद उसे जला लेगा, उसके बाद सारे सांपों को भगा देगा। फिर जेठालाल उस दरवाजे से चला जाएगा। जब जेठालाल आगे पहुंचता है तो देखता है कि किडनैपर ने बबीता जी को कुर्सी पर बांध के रखा है। तभी वो किडनैपर बोलता है, अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब दोगे तो मैं बबीता जी को छोड़ दूंगा। तभी जेठालाल बोलता है, ठीक है, पूछो। किडनैपर बोलता है, मेरा सवाल यह है कि बोलने के लिए इतने शब्द हैं पर फिर भी बोल नहीं पाता हूँ। दोस्तों, इसका आंसर आपको पता चल गया तो कमेंट कर दीजिए। जेठालाल बोलता है, इसका आंसर है किताब। बोलने के लिए शब्द हैं पर यह बोल नहीं पाता। किडनैपर बोलता है, हाँ, तुम्हारा आंसर सही है। उसके बाद वो किडनैपर वहां से चला जाता है और जेठालाल बबीता जी को बचा लेता है। चलो चलते हैं नेक्स्ट पहेली की ओर। दोस्तों, इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए और हमें ये बताइए कि जेठालाल किसे बचाएगा, 10 लाख रुपए को या फिर अपनी पत्नी को? इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। दोस्तों, जेठालाल अपनी पत्नी को बचाएगा, क्योंकि पैसे तो आते जाते रहते हैं, लेकिन एक बार पत्नी चली गई तो वापस नहीं आ सकती। तो दोस्तों, मिलते हैं अब अगली वीडियो में।